डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेस तक स्टडी किया है और हम आज उसके नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन में क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपनी या अपने वंश को, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है या संतान उत्पन्न जिस प्रोसेस के द्वारा करता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात आप समझ गए, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कौन कौन सी मेथड होती है, जैसे हम बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की दो मेथड है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट में, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो आप ये कहते हैं कि ये अलैंगिक जन्म होता है, और ये क्या होगा इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। हम धीरे धीरे किसी चीज़ को देखते चलें तो उसकी मीनिंग हमको धीरे धीरे इंग्लिश में आ जाएगी। थोड़ी सी आपको शुरुआत में परेशानी होगी, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बातों को बड़े ध्यान से देखते चलें, सारी बातें उनको क्लियर हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा वो इस शब्द को पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, उनको केवल इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ही समझ में आएगी और उनको अच्छा लगेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखते चलें कि इसका मतलब कहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हम डिस्कस करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब देखिए, बैक्टीरिया में आप ये सोचिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की मेन मेथड होगी। तो बैक्टीरिया मुख्यतः किस मेथड के द्वारा जनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है या ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, वह मेथड कौन सी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वेरी कॉमन मेथड, ये वेरी कॉमन मेथड होगा, ये सबसे सामान्य विधि होगी रिप्रोडक्शन की। अब ये देखना है कि ये जो सामान्य विधि है रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में यह और कितने मेथड के द्वारा किया जाता है या मेथड के द्वारा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये देखिए, नंबर वन बाय
आप यहां पे लिख सकते हैं फिशन, विखंडन विधि के द्वारा, दूसरा लिखेंगे बाई एंडोस्पोर्स, तीसरी बात यहां पर है बाई जूस्पोर्स, और चौथी बात यहां पे हम देख रहे हैं बाई कोनिडिया। ये कॉमन मेथड है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि ये दो मेथड ज़्यादा यूज होता है, इन्हीं दोनों के बारे में हमें विशेष रूप से जानना होता है। बाई फिशन या बाइनरी फिशन में आप ये देखेंगे कि बैक्टीरिया किस प्रकार से रिप्रोड्यूस हो रहा है या कैसे अपनी संतानों को उत्पन्न करता है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बाई फिशन रिप्रोडक्शन कैसा होगा। तो कुछ बातें यहाँ पर हमें जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए फिशन में क्या होगा। एक पैरेंट सेल है। पैरेंट सेल का मतलब हम कहते हैं जनक कोशिका, जनक सेल। मतलब पैरेंट, मतलब पैरेंट जानते हैं माता पिता। एक पैरेंट सेल से यहां पर दो संतानें बनती हैं, टू ऑफ स्प्रिंग, दो संतानें बनेंगी। अब जरा देखिए, एक पैरेंट से दो संतानें बनेंगी। दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, आपको जानना है कि ये बेरी कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ये देखा कि यही बात मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड कौन सी होती है? फिशन होती है। इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा बैक्टीरिया ज़्यादा डिवाइड होते हैं। यह इनके रिप्रोडक्शन की सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, सबसे सामान्य परिस्थिति होती है। तो ये आप यहाँ पे देख लिए। फिर एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फिशन है, इस फिशन में, यह फिशन कब होता है? जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है ये पे अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियों में बेटा ये होता। अनुकूल परिस्थिति का मतलब, जैसे हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति वो है जब हमें पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए भोजन मिले, टेम्परेचर सामान्य हो, ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में मिले, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थितियाँ। जिन परिस्थितियों को हम पसंद करते हैं, जिनमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम जीना चाहते हैं, जिसमें हम जीते हैं, वो हमारे लिए परिस्थितियाँ क्या होती हैं? अनुकूल। इसी तरह से बैक्टीरिया के लिए भी ये फिशन जो प्रोसेस होगी, इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा, वो किस परिस्थिति में होगा? फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थिति में होगा। अर्थात टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ऐसी जब परिस्थितियां होंगी तो उसको हम अनुकूल परिस्थितियां कहते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फिशन है, ये एक प्रकार का एमाइटोसिस डिवीजन है। क्या है? एमाइटोसिस डिवीजन।
ए माइटासिस डिवीजन। ए का मतलब क्या हुआ? आ, माइटासिस का मतलब समसूत्री, असूत्री हो गया, असूत्री विभाजन हो गया। असूत्री विभाजन का मतलब यह है, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, सेल डिवीजन आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन एब्सेंट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्पिंडल फाइबर का मतलब, स्पिंडल का मतलब होता है स्पिंडल, देखिए क्या कहते हैं इसको आप देख लीजिए, फाइबर मतलब फाइबर तो आप जान ही रहे हैं, तंतु होता है, तर्क तंतु इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल में क्रोमोसोम है, सपोज करिए कि क्रोमोसोम है जिसको आप हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, और यहाँ पर सेंट्रियोल है जिसको आप तारकाय भी कहते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से ऐसे ऐसे यहाँ पर रेज निकलती हैं, ये इस प्रकार से फाइबर निकलते हैं, इन्हीं फाइबर्स को हम क्या कहेंगे? स्पिंडल फाइबर कहेंगे। ओके, तो ये चीज यहाँ पर नहीं पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमें देखना है कि बाइनरी फिशन में क्या क्या होता है। अब जरा देखिए, बाइनरी फिशन तीन स्टेप में पूरा होता है, आप जरा देखिएगा, बाइनरी फिशन कंप्लीट इनटू थ्री स्टेप्स। फिशन कंप्लीट इनटू थ्री स्टेप्स, ये तीन चरणों में पूरा होता है। पहला क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा यहां पर? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन को हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। दूसरी बात क्या होगी? डिवीजन इन मीजोसोम्स। तीसरी बात क्या होगी यहां पर, जरा देखिए, ट्रांसवर्स वाल फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं क्रॉस वाल फॉर्मेशन। ये देखिए बेटा, ये चीजें होती है। अब आप हिंदी में अगर समझना चाहेंगे तो रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का मतलब होता है द्विगुणन। किसका द्विगुणन होगा? आप ऐसे समझ लीजिए, एक डीएनए है तो वो दो डीएनए में बढ़ जाएगा, ऐसे कह लीजिए। फिर डिवीजन का मतलब विभाजन। किसका विभाजन? मीजोसोम। ये चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर जब बता रहा था बैक्टीरिया का, वहां पर बताया था कि मीजोसोम क्या होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्स वाल का मतलब होता है अनुप्रस्थ भित्ति। अनुप्रस्थ भित्ति फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण। ये तीन प्रोसेस होगा फिर जाकर के यहाँ पर फिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको हम देखते हैं, इन तीन प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, आप यहां पर जरा देखते चलिए। चलिए देखिए, अब हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको, सपोज करिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया है ये, और आपको पता है कि इस बैक्टीरिया में यहां पर ये इस प्रकार से आपको दिखाया गया था, ये दिखाया गया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फोल्डेड होती है, वलित होती है, और आपको मैंने दिखाया था कि ये इस प्रकार से मीजोसोम होता है बेटा, ये
आपको दिख रहा होगा, और इस मीजोसोम से जुड़ा हुआ ये इस प्रकार से डीएनए होता है। तो हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाएं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो गया एक बैक्टीरियल सेल। अब आगे क्या होगा, हमने कहा कि फिशन में पहला स्टेप क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, मीजोसोम के द्वारा। थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि ये डीएनए है, यहाँ पर डीएनए था, अब ये डीएनए ये देखिए ये दो भागों में डीएनए अब ये बंट रहा है, ये डीएनए दो भागों में बंट रहा है, और इसको आप जरा देखिए, ये हमने देखा, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसके बाद ये देखिए मीजोसोम भी यहाँ पर डिवाइड हो गया। ये देखिए बेटा, ये मीजोसोम यहाँ पर डिवाइड हो गया। क्लियर हो रही बात? अब देखिए डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, इसके साथ साथ इसके बाद क्या देखें यहाँ दूसरे स्टेप में, जो मीजोसोम था इसको हम मीजोसोम बोल रहे हैं, ये मीजोसोम है, और ये क्या है, ये है डीएनए, ये देखिए डिवाइड हो गया, डीएनए बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जब यहाँ पर आपने ये देखा कि मीजोसोम का डिवीजन हुआ, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भीतर की ओर धंसने लगेगी। जब भीतर की ओर धंसेगी तो यहाँ पर एक भित्ति का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स वाल का फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये बेटा यहाँ पे आप देखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब यहाँ पर ऐसे धंस गई, ये धंस गई, और एक ट्रांसवर्स वाल का फॉर्मेशन हो गया, मध्य में एक भित्ति बन गई, क्रॉस वाल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया और ये हो गया। अब आप ये देखेंगे कि ये मीजोसोम हो गया, ये मीजोसोम हो गया, और इससे जुड़ा हुआ ये डीएनए हो गया, और इससे जुड़ा हुआ ये डीएनए हो गया, ये आपने देखा। फिर हम अब क्या देखेंगे कि अब यहीं से ये बैक्टीरिया जो ट्रांसफर वाल बन गई है, अब ये दो भागों में बंट जाएंगे, एक बैक्टीरिया सेल ये हो गई और दूसरी बैक्टीरिया सेल ये हो गई, ये देखिए ठीक। अब यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया जो थी वो दो बैक्टीरिया में बट गई, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, डॉटर बैक्टीरिया कहेंगे, मतलब पेरेंट बैक्टीरिया से संतत बैक्टीरिया बन गई, एक जनक बैक्टीरिया से दो संतति बैक्टीरिया का निर्माण हो गया, ये देखिए। और यहाँ पर ये क्या है, मीजोसोम, और इसको भी हम क्या दिखाएंगे, मीजोसोम, और यहीं पर हम क्या दिखा देंगे, ये डीएनए है और इससे लगा हुआ ये डीएनए है, ये देखिए। तो इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, डॉटर बैक्टीरिया, ये देखिए डॉटर बैक्टीरिया, और इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस वाल, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, ये पेरेंट बैक्टीरिया है, पेरेंट बैक्टीरिया, यहां पे देखिए बेटा पेरेंट बैक्टीरिया सेल है, और पेरेंट बैक्टीरिया सेल में क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होना प्रारंभ हुआ, दूसरे स्टेप में क्या होता है, मीजोसोम डिवाइड हो जाता है। जब मीजोसोम डिवाइड हो जाता है
तो इस बीच तीसरे स्टेप में क्या होगा, बीच में दोनों के बीच में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेट का मतलब होता है कि अंदर की ओर धंस जाती है और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं और एक क्रॉस वॉल के रूप में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाती है और यहाँ से फिर दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण होता है। ठीक, अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एक बैक्टीरिया के बनने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। 20 से 30 मिनट का समय लगेगा, अर्थात एक पेरेंट बैक्टीरिया से दो डॉटर बैक्टीरिया का निर्माण होने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। कभी कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन देकर के बात करूंगा, आप यहाँ पे जरा देखिए। देखिए बेटा, जैसे हमने कहा आपसे कि एक बैक्टीरिया ठीक है, प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड हो रही है, प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड हो रही है। अब आप समझ गए कि कोई बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड हो रही है, तो हम ये बात आपसे ये कहें कि एक, यहाँ पे जरा देखिए कि 120 मिनट में, 120 मिनट्स में कितने बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। देखिए बेटा, इसमें यह कहा गया, जरा ध्यान से समझिए, यह कह रहा है एक बैक्टीरिया प्रत्येक 20 मिनट में बढ़ रही है, तो 120 मिनट में कुल कितने बैक्टीरिया का निर्माण होगा, है ना। तो हमें देखिए अपने कॉन्सेप्ट चलना है तो हम क्या देखें, यह जरा देखिए बेटा कि एक बैक्टीरिया यह है, ये एक बैक्टीरिया से जब दो बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है तो यहां पर कितना मिनट लगा 20 मिनट लगा, ओके। फिर इसके बाद आप जरा देखिए अगले 20 मिनट में ये जो दो बैक्टीरिया हैं इनसे कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, चार बैक्टीरिया बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका मतलब यह हुआ कुल कितने मिनट हो गए, 40 मिनट। फिर अगला 20 मिनट क्या होगा, प्रत्येक 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, 20-20 मिनट को हम देखेंगे, तो अगले 20 मिनट में बेटा यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चार से आठ बैक्टीरिया बन जाएंगे। और फिर कह रहा है कि 20 मिनट में डिवाइड जब हो रहा है तो अगले 20 मिनट में हम ये देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे 8 बना तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 16 बैक्टीरिया बन जाएंगे, 8 × 2 = 16 बैक्टीरिया। फिर ये 16 बैक्टीरिया डिवाइड होंगे और डिवाइड होने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कुल कितने बैक्टीरिया बन गए, 32 बैक्टीरिया। अब हम जरा देख लें यहाँ समय कितना हुआ, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 80, 20, 100 और यहां पर हम देखें 20 मिनट और कह रहा है 120 मिनट में। अब यहां पे अगले 20 मिनट में आप ये जानते हैं कि कुल कितने बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया, 64 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64 बैक्टीरिया बनेंगे 120 मिनट में।
आपको बेटा समझ में आ गई होगी ये बात, और आप अब इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कर ले जाएंगे, हमें ये उम्मीद है। आप केवल परिश्रम करते चलिए, सभी क्वेश्चन आपके साल्व हो जाएंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, लेकिन परिश्रम आपको करना होगा। आप जरा देखिए, इसके लिए तो मैं आपके एक फार्मूला भी दे सकता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूर आप याद रखिएगा। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, मैक्सिमम टाइम अपॉन मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम अपॉन मिनिमम टाइम। तो हम अगर देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमको जानना था, मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया था 120 मिनट, मिनिमम टाइम कितना दिया गया था 20 मिनट, है ना। तो अब आप जरा देखिए, तो यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम, है ना, इसके बाद n की पावर, सॉरी इनटू 2 की पावर n, ये देखिए तो यहां पे कितना हो गया, कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये कितना आया, n आ गया, कितना आ गया n बराबर 6 आया, ये n आया ठीक। अब यहां 2 क्या है, एक बार में दो सेल डिवाइड होती है, तो हम यहां पे क्या देखेंगे 2 की पावर 6, डायरेक्ट देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 बार हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है, इस ट्रेडिशनल मॉडल को आप जानते रहिए। ओके, चलिए तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमें क्या लगाना होगा फार्मूला, मैक्सिमम टाइम अपॉन मिनिमम टाइम बराबर 2 की पावर n, मैक्सिमम टाइम अपॉन मिनिमम टाइम बराबर 2 की पावर n हम ले लेंगे, अब यहां पे आ जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, आपके समझने के लिए मैं कर दे रहा हूं। एक बैक्टीरिया प्रत्येक 30 मिनट में डिवाइड हो रही है ठीक। तो फिर आप जरा देखिए, प्रत्येक 30 मिनट में डिवाइड हो रही है तो यहां पर आप देख लीजिए, एक इस तरह से करिए, 3 घंटे में कितने बैक्टीरियल सेल बनेंगे, कितने बैक्टीरियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखें मैक्सिमम टाइम कहाँ है, मैक्सिमम 3 घंटा, 3 घंटे को हम मिनट में बदल लें तो कितना हो जाएगा 180, मिनिमम टाइम कितना है 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहां क्या आ गया 2 की पावर n, के स्थान पे कितना आ जाएगा 6, और आंसर कितना हो जाएगा 64, यहां भी क्या आ जाएगा 64। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान देने की बात है, आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, एक मेथड बाइनरी फिशन खत्म हो गया, दूसरा मेथड हम देखेंगे बाई इंडो स्पोर, बाई इंडो स्पोर। ओके,
चलिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वह अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया कि एक फेवरेबल कंडीशन, दूसरी अनफेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा डिवीजन हो रहा है? बाइनरी फिशन हो रहा है या फिशन के द्वारा डिवीजन हो रहा है। और जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन। प्रतिकूल परिस्थिति क्या है? जैसे आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, उसने प्रवेश किया तो हमारी बॉडी को हानि पहुंचा रहा है, तो हम उसको मारने के लिए दवाइयां लेते हैं। तो जब दवा लेंगे तो वो भी अपने बचने के लिए क्या करता है, ऐसी व्यवस्था करता है जिससे कि वो दवा का असर उसके ऊपर ना पड़े। तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। जो सामान्य वातावरण है उसके लिए, वो जब उपस्थित नहीं होगा तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति। ये एक समझने की बात है। मतलब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ना हो, टेम्परेचर सही ना हो, तो ये सब जब कंडीशन नहीं होगी तब उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ आपने देखा, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन इसका मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। अब दूसरी बात यहां पे देखिए, ये जो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन है, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल बैसिलस क्लास ट्रीडियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन सभी प्रकार के बैक्टीरिया में नहीं होता है, रेयर बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। और वो बैक्टीरिया बेस्ट वेल नोन बैक्टीरिया कौन है, बैसिलस और क्लास्ट्रिडियम। और जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया है, ये सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया की सेल है, और यहाँ पर ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन है, इसको हम कहेंगे बेटा इंडोस्पोर। ठीक है, फिर यहाँ पर जरा देखिए, ये बैक्टीरिया सेल है, ये यहाँ पर इंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये बैक्टीरिया है यहाँ पर, आप देखिए ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब ये है, इंडोस्पोर सेल के मध्य में बन सकता है, मध्य से थोड़ा ऊपर बन सकता है, और बिल्कुल शीर्ष पर बन सकता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, ये इस कौन सा रीजन हो जाएगा, मिडिल रीजन, सब टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब शीर्ष हो जाता है। तो ऐसी ही पोजीशन पर ये बनते हैं, मध्य में बन सकता है, शीर्ष में बन सकता है, या शीर्ष से नीचे बन सकता है। ओके, आप जरा देखिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देना है कि इसमें होता क्या है। अब जरा देखिए, ये जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक इन्वेजिनेशन करेगा और उसके साइटोप्लाज्म को या जीनोम सहित साइटोप्लाज्म को यहाँ पर कवर कर लेगा। साइटोप्लाज्म का पूरा भाग कवर नहीं होता है, कुछ अंश कवर हो जाता है, कुछ अंश कवर हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ अंश कवर हो गया। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि यही से अब इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये फिगर आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये देखिए, फिर इसके बाहर एक मेम्ब्रेन देखिए, फिर इसके बाहर एक मेम्ब्रेन देखिए मोटी सी, फिर इसके बाहर एक मेम्ब्रेन देखिए। अब जरा देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोर मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोर वाल कहेंगे,
और इसको क्या कहेंगे, कार्टेक्स कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे जरा देखिए बेटा, ये इसको कहेंगे स्पोर कोट कहेंगे, और इसको कहेंगे इग्जो स्पोरियम। ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाएगा, इंडो स्पोर कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये इंडो स्पोर यहाँ पर, अब इंडो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो जो ये भाग बना हुआ है, जो ये स्पोर के रूप में दिख रहा है, अब यहाँ पे भित्ति फट जाएगी और ये स्पोर बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद एक नए बैक्टीरिया के रूप में ये जन्म ले लेता है। समझ में आई बात? तो अब जरा हमको इंडो स्पोर की बात समझनी है। इंडो स्पोर में आप देखिए क्या होता है, कोर के अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए होगा, क्या होगा आरएनए होगा, क्या होगा राइबोसोम्स होंगे, और क्या होंगे प्रोटीन होगा, ये सब होंगे यहाँ पे। कोर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, इसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम कोर वॉल कहते हैं। और यहाँ पर अगली जो बात इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम कहते हैं कार्टेक्स। अब यहाँ पे जरा देखिए, कार्टेक्स ये जो है, ये है कार्टेक्स। और इस कार्टेक्स का ये कैसी है, लचीली होती है, ये कार्टेक्स लचीली है और कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोर वाल के बाहर की ओर एक लचीली लेयर पाई जा रही है, वो कैल्शियम डाइपिकोलिक एसिड की बनी हुई है। और यह लेयर क्या करती है, एंटी कोआगुलेंट होती है, मतलब जमने से सुरक्षा प्रदान करती है, कोआगुलेशन नहीं होने देती है, मतलब जमाव की प्रक्रिया नहीं होने पाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्थात बैक्टीरिया को ये एक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वो डेड ना होने पाए, मरने ना पाए। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, स्पोर कोट। ये देखिए बेटा, स्पोर कोट ये जो है थिक वाल होती है, कैसी होगी, थिक होती है और इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है, इसके आर पार कोई चीज जा आ नहीं सकता है, इसीलिए तो ये भाग सुरक्षित रहता है, ये कोर सुरक्षित रहता है। और जब सामान्य परिस्थिति आती है तो ये स्पोर बाहर आ जाता है और बैक्टीरिया के रूप में सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बाहरी आवरण को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इग्जोस्पोरियम कहेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कोई विभाजन नहीं हो रहा है। इस तरह से कुछ साइंटिस्ट इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, इसको पेरीनेटिंग बॉडी भी कहते हैं। पेरीनेटिंग अवस्था को मतलब, पेरीनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप ये समझिए कि काफ़ी समय तक ये इसी अवस्था में बने रहेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये अनफेवरेबल अवस्था में है। तो बेटा ये जान लीजिएगा कि अगर आपसे कभी कहा जाए कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता है, तो वो आप कहेंगे इंडोस्पोर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अब हम बढ़ेंगे। अब छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, बाइजोस्पोर और बाइकोनिडिया, इनके बारे में अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, और इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, जैसे तीसरा क्या हो जाएगा, सी बाइजोस्पोर्स, ये किस में होता है, आपने पढ़ा होगा राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, उसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एक और क्या है, बाइकोनिडिया, ये किस में होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसीज एक्टिनोमाइसीज
ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया में इस प्रकार से कोनिडिया की तरह यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं बाइकोनिडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी सी बात हमको पढ़नी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। ठीक है, अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आप लोग मेहनत करिए, ध्यान से पढ़िए।